हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टैक सॉल्यूशन में। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के बारे में। आज मैं रेगुलर HTML के बेसिस पे वीडियो तो डालते रहता हूँ, उसी के बीच में आपको थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आप एक नया चीज़ सीखेंगे डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के बारे में। ये दोनों नया टॉपिक है, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। बेसिकली डोमेन नेम होता क्या है, वेबसाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। तो देखते हैं कि वो दोनों इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। सो वेबसाइट में डोमेन नेम जो है, क्लियरली मैं अभी बात कर रहा हूँ डोमेन नेम। तो वेबसाइट में जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम वो बेसिकली वेबसाइट को नाम देने के लिए काम आता है। सपोज़ अभी google.com, तो वो हुआ डोमेन नेम। तो बेसिकली यही है डोमेन नेम, google.com। अभी आपको एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ google.com, facebook.com, जो लास्ट में .com लिख रहा है, लग रहा है ना, वही है डोमेन नेम। और उसी के अभी जैसे सूरज ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स.com, दिस इज़ द वेबसाइट नेम एंड दिस इज़ द डोमेन नेम। यही डोमेन नेम लेने के लिए हम लोग परचेस कर सकते हैं, या ये डोमेन नेम कभी कभी फ्री में भी मिल सकता है। तो इस मीडियम के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट में डोमेन नेम क्या होता है और उसको कहाँ से परचेस कर सकते हैं, और वो डोमेन नेम हम लोग फ्री में भी ले सकते हैं। बट उस फ्री में लेते हैं तो उसका फिर प्रीमियम भी कराना पड़ता है डोमेन नेम का। तो कम्प्लीटली डोमेन नेम के बारे में मैं बताता हूँ कि डोमेन नेम इज़ अ नेम ऑफ अ वेबसाइट वी गिव। तो हम लोग डोमेन नेम अपना डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन नेम बहुत होता है, .com, .yahoo.com, या जो वो लगता है। और डोमेन नेम में बेसिकली आप देखते होंगे हर वेबसाइट के आगे HTTPS, तो वो रहता है, एक सिक्योरिटी कोड रहता है, उस वो वेरिफिकेशन रहता है, हाँ ये वेबसाइट सिक्योर है, ये वेबसाइट को आप ओपन कर सकते, इसमें कोई फ्रॉड काम नहीं होता है। जो बस HTTP होता है ना, वो फ्रॉड वेबसाइट, मतलब वो फ्रॉड वेबसाइट है, उसके अंदर कभी एंटर नहीं करना पड़ता है। जो प्रॉपरली HTTPS, एस जो लिखा है ना लास्ट में, जो एस का मतलब होता है वो सिक्योर। अभी आपको HTTP का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जहाँ वेबसाइट के आगे ये जहाँ लगा है, मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है और इसका डोमेन नेम प्रॉपरली दिया गया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन नेम एक तरह का नेम होता है। और फिर आपको डोमेन नेम का तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि डोमेन नेम आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपने नाम पे या बिज़नेस रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका भी डोमेन नेम देना पड़ेगा, जो बिज़नेस का नाम है वो, और डोमेन नेम आपको ऐड करने के लिए .com लिखने के लिए, मतलब सपोज बिजनेस का नेम आपको RajuSales.com, वो .com करने के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा वो डोमेन नेम। डोमेन नेम आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो वर्डपैड या कौन सा, बहुत सारा है, Blogger.com से ख़रीद सकते हैं, ब्लॉगर वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं आप डोमेन को, और कम डैडी ऐप से ख़रीद सकते हैं, अप डैडी ऐप, बहुत सारा है वेबसाइट जिससे आप डोमेन खरीद सकते हैं। तो अभी बात करते हैं वेब होस्टिंग के बारे में, होस्टिंग कराना। तो मैं आपको होस्टिंग समझाता हूँ, अभी आप हम लोग होस्टिंग के बारे में समझते हैं। तो होस्टिंग बेसिकली एक लैंड होता है। अभी हम लोग ने, अभी मैं आपको नेचुरल थॉट प्रोसेस से बताता हूँ डोमेन और वेब होस्टिंग के बारे में। सो अभी मैंने अपना घर का नाम सोचा है, मैंने अपने घर का नाम सोचा है शाह निवास। ओके क्लियर, मैंने अपने घर का नाम सोचा है शाह निवास। जो वो शाह निवास जो सोचा है वो मेरा डोमेन नेम है। और अभी वो शाह निवास मेरे को कहाँ पर बनाना है, वो जो शाह निवास जो मैंने सोचा है घर का नाम, वो मेरे को कहाँ बनाना है, वही डोमेन नेम, अरे वेब होस्टिंग होता है वो शाह निवास। जहाँ मेरे को लैंड मेरे को ख़रीदना है शाह निवास बनाने के लिए, जहाँ मेरे को लैंड ख़रीदना है, वही होता है वेब होस्टिंग। सो बेसिकली यही होता है वेब होस्टिंग।
तो वेब होस्टिंग इसको ही बोलते हैं। वेब होस्टिंग हम लोग को एक इतना सारा इंटरनेट का दुनिया रहता है, उसमें से हम लोग एक छोटी सी जगह लेना पड़ता है। वही छोटी सी जगह लेने वाले को मतलब लेना है हम लोग को वेबसाइट, हम लोग का शो होना चाहिए इंटरनेट की दुनिया में, उसको हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। और पर्टिकुलरली छोटा सा इंटरनेट का प्लेस हम लोग ले उसको हम लोग बोलते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मीन्स थोड़ा सा लैंड जो है वो खरीद सकते हैं। फिर वो वेब होस्टिंग में भी बहुत सारा कैटेगरी रहता है, शेयर वेब होस्टिंग, जैसे लैंड में होता है ना कि आपको अगर मॉल खड़ा करना है तो आपको मॉल जैसे ही लैंड लेना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा लैंड लेना पड़ेगा, सो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। सो वेब होस्टिंग का भी कॉस्ट नॉर्मली 500 to 1000 तक जाता है। वेब होस्टिंग का कॉस्ट 500 to 1000 नॉर्मली वेब होस्टिंग जो आप हम लोग खरीदेंगे गोडैडी एप्लीकेशन से जो खरीदेंगे, गोडैडी एप्लीकेशन या blogger.com से अगर वेब होस्टिंग आप खरीदते हो तो आपको सस्ते में मिल जाएगा 500 to 1000। और कोई कोई वेब होस्टिंग आपको फ्री में भी प्रोवाइड किया रहेगा, लेकिन वो जो लोकेशन रहेगा, वो जो प्लेस रहेगा आपका वेबसाइट का, वो प्रॉपर नहीं रहेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि वेब होस्टिंग मीन्स इंटरनेट की दुनिया में एक लोकेशन, एक प्लेस जो आप थोड़ा सा खरीदते हो वो, और उसको रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे आप रेंट के इसमें रेंट में आप रहते हो तो उसको महीने महीने रिन्यू कराना रहता है, लेकिन इसका साल का रहता है, इतना कुछ नहीं, आपको साल साल वेबसाइट को थोड़ा रिन्यू कराना रहता है, उसका कुछ 300-400 रुपये चार्ज रहता है। तो बेसिकली ईजी ही है। तो वेब होस्टिंग एक साइड और फिर डोमेन नेम एक साइड। डोमेन नेम बहुत ही आसान है, डोमेन नेम का आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर वेब होस्टिंग के मैंने बारे में आपको बता दिया। वेब होस्टिंग इज ए पर्टिकुलर प्लेस दैट वी परचेज फॉर वेबसाइट, तो वो तो बहुत ईजी है। और डोमेन नेम तो आपको बता ही दिया है, .com और वही। तो आज के वीडियो में इतना ही था कि मैं आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के बारे में क्लियरली आपको बता दूँ। बहुत जन मैं भी पहले डोमेन नेम और वेब होस्टिंग सुनता था तो मेरे को पता चलता था, अरे ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, वेब होस्टिंग और डोमेन नेम, मैं पूरा मैं जानता ही नहीं था। फिर मैं पूरा अंदर डीपली मैंने इसको समझा, अच्छा मैं कोडिंग तो कर रहा हूँ, कोडिंग के साथ मुझे ये नहीं पता कि वेब होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है, तो कोडिंग करके फ़ायदा नहीं। हम लोग ने वेबसाइट बना लिया, उसके बाद वेबसाइट के बाद जो हम लोग का अपलोडिंग का काम रहता है ना, अपलोडिंग का काम, उसके लिए डोमेन नेम और वेब होस्टिंग मच काम आता है। तो उसी के लिए डोमेन नेम और वेब होस्टिंग काम आता है। सो आज के वीडियो में पूरा कम्प्लीटली आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के बारे में बता दिया। आगे और कोडिंग के रिलेटेड आपके पास वीडियो आते रहेगा। सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।